क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में जितने भी आठ क्या कैप्टन्स हैं उनके बारे में तो बात जरूर करेंगे इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्रोशिया क्रिकेट को हम यहाँ पर कांग्रेचुलेट कहना चाहेंगे जिन्होंने कल बेल्जियम को मात दी है। जी हाँ, आप सोचेंगे क्या बड़ी बात होगी इसमें, लेकिन जी हाँ बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्रोशिया जो है वो 89th रैंक टीम है T20I में अगर हम बात करें, और जो बेल्जियम है वो वेल सेटल्ड और स्टैब्लिश टीम है 45th रैंक पर, अंडर 50 रैंक की टीम थी। तो आप देखिए ऑलमोस्ट डबल रैंक है, 45 डबल 90 होता है, और मुझे रैंक टीम को उन्होंने यूरोप सब इंडियन क्वालिफायर में कल मात दी है। वेल डन बॉयज, कि उन्होंने कल बेल्जियम को इतनी हायर रैंक टीम को मात दी है, और कहीं ना कहीं उम्मीद उनके उनके अपने पर्सनल टीम के लिए भी एक उम्मीद जगाई है कि वो आगे जाकर सेमीफाइनल में शायद जर्सी का सामना कर सके। बाकी क्या चीजें होंगी तो आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी अचीवमेंट ये रही है क्रोएशिया क्रिकेट के लिए जहां उन्होंने अपने से दुगनी हायर रैंक टीम को कल मात दी है यूरोप सब इंडियन क्वालिफायर में। मैच की पूरी डिटेल्स कम्युनिटी टैब में जाकर जरूर चेक करिए। चलिए अब बात करते हैं जो आठ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की जो टीम्स हैं उनके उनके कप्तानों के बारे में कि उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू के फर्स्ट सीजन में रहेगा वो क्या रहने वाला है। एंड सबसे पहले शुरुआत आप किस टीम से करना चाहेंगे और बताएंगे कि आखिर उस एक टीम के कप्तान की जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा वो क्या है। जरूर, नीदरलैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर उनकी जो बैटिंग प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी कंसर्न रहने वाली है स्कॉट एडवर्ड्स के लिए इस आने वाले वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू में जो कि हमें दिखेगी अगस्त में नीदरलैंड के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा उनके लिए कि किस तरीके से वो क्योंकि पेरेस भी ऐसे कोई खासे टच में है नहीं उन्हें भी ज़्यादा लिया नहीं जाता है, और जो प्लेइंग जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर या ये कहें कि छह बल्लेबाज जो ऊपर के रहते हैं वो सेटल इन नहीं है, उनकी कोई ऐसी कंसिस्टेंसी अभी आई नहीं है, देखी नहीं गई ओपनिंग में से भी। विक्रमजीत सिंह हो, मैक्सवेल आउट हो, या कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई बड़ा कोई बड़ी इनिंग या पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए नज़र नहीं आ रहे चाहे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज ही क्यों ना हो। तो काफ़ी स्ट्रगल हमें नज़र आ रहा है नीदरलैंड्स की बैटिंग में, और इंक्लूडिंग स्कॉट एडवर्ड्स खुद। बिल्कुल, अब चलते हैं ओमान की तरफ। ओमान के जो कप्तान जंग क्योंकि ओडिया में अभी वही कप्तान बने हुए हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दो तरीके का। एक है सबसे बड़ा चैलेंज है कि एज जो प्लेयर्स की अब कहीं ना कहीं हो रही है वो उनकी फिटनेस पे भी असर कर रही है, और लॉन्गर फॉर्मेट में ये चीज़ हमें और निकल गई है कि जब लंबे लंबे वक्त तक आपको ग्राउंड पर रहना होगा, बैटिंग करनी होगी, सिंगल डबल्स लेने होंगे, तब जाकर ये चीज़ें और ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपोज नजर आती है। तो ओमान को कहीं ना कहीं टारगेट करना होगा कि कुछ यंग फ्रेश प्लेयर्स को वो अपने आने वाले स्क्वाड में इंक्लूड करें, क्योंकि ये अच्छा मौका है। अभी आपका लीग टू शुरू नहीं हुआ है, ये अच्छा मौका अगर आप अभी से बिल्डअप शुरू करेंगे, हम ये नहीं कह रहे पूरी टीम ही बदल दे, लेकिन कुछ प्लेयर्स यंग प्लेयर्स को वक्त आ गया है कि आप उन्हें मौका दें और उनके साथ आगे बढ़ाए, ताकि एक वो फिटनेस का जो इशू है टीम के साथ जो कुछ नए यंग जो चेहरे हैं वो भी जुड़े। छोटी सी बात जल्दी से मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा कि क्या आपको लगता है निशांत मकसूद कप्तानी छोड़ सकते हैं इस आने वाले वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू में 16 जुलाई से, क्योंकि T20 में छोड़ चुके हैं, और आपने जैसा कहा एज बहुत बड़ा फैक्टर है, और हम जानते हैं निशांत मकसूद की काफी एज हो चुकी है और फिटनेस से भी वो छूट है। बिल्कुल है, बस ये तो एक देखने वाली बात होगी कि वो 50 ओवर में छोड़ना चाह रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन T20 उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन इसके चांसेस भी हो सकते हैं कि आखिर को शायद दोनों बना जाए। पहले भी कहा था कि स्प्लिट कैप्टनसी एसोसिएट्स में हमें शायद हार्डली देखने को मिले कि T20 का अलग कप्तान और ODI का अलग कप्तान, तो ये चीज की वजह से गुंजाइश बहुत बनती है कि शायद आकिब को बना दिया जाए, लेकिन फिर भी निशांत मकसूद टीम में होंगे वो फिर भी रहने ही वाला है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या बोले। लेकिन आप क्या चाहेंगे, निशांत मकसूद ही ODI में कप्तान रहे ओमान के या फिर आकिब को चाहेंगे? नहीं जरूर, देखिए अब नया टर्म है, नई चीजें शुरू हो रही है, तो आकिब इलियास क्योंकि हम इटली क्रिकेट इतना समझता है कि निशांत मकसूद के बाद इतना नहीं है कि वो शायद 2027 तक खींचे चले जाए, 2026 तक शायद होगा कि शुरू से ही नया कप्तान जरूर, तो एक नया कप्तान रहेंगे, तो क्योंकि शुरू नहीं हुआ है, अगर शुरू होता तो हम कह सकते थे कि नहीं ये ठीक नहीं है बीच में चेंज करना, लेकिन अब नया ओमान के लिए वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू शुरू हो रहा है, तो उम्मीद रहेगी कि आकिब इलियास को ही बनाए क्योंकि स्प्लिट कैप्टनसी एसोसिएट के लिए शायद कारगर ना। बिल्कुल, चलिए अब इसी में एक चीज और उनकी है, वो है स्पिनर्स। स्पिनर्स की बात करें अगर ओमान की, तो स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं लेट डाउन जरूर किया था पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू के सीजन में भी, जो है पेसर्स ने और ऑलराउंडर्स ने काफी रोल निभाया था अपना, लेकिन जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो अभी भी काफी खाली नजर आता है। एक प्राइम स्पिनर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो कोटा जो है वो खाली नजर आता है ओमान के लिए, और वो बहुत सारे क्रूशियल मैचेस में हमें दिखता है कि वो ना होने की वजह से टीम को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि अकेले दिशा भी पड़ जाते हैं। बस अभी स्पिनर की बात आती है तो सीधा जहन में आपकी दिशान आते हैं लेकिन दिशान स्पिनर नहीं है, मतलब प्राइम स्पिनर नहीं, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, ये सोचने वाली बात है। वो एरिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद अगली टीम की बात करें,
बिल्कुल। अब बात करते हैं यूएई की। अगर यूएई की बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर है बहुत बड़ा, एक सरदर्द है, बहुत ही बड़ा सरदर्द है। बिल्कुल सही कहा है। तो सिर्फ ओपनिंग वहां रन करते हैं और नीचे आके फिर लोअर ऑर्डर में हमें थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाते हैं। पर जैसे कि आसिफ खान है वो खासे नहीं चल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए उनका तो ऑर्डर बदलना चाहिए। बिल्कुल, रवि शहजाद को भी ट्राई किया गया बीच में, वो भी ऐसे खासे चले नहीं। तो बहुत सारा स्ट्रगल मिडिल ऑर्डर में हमें नजर आ रहा है यूएई के लिए। ये एक यूएई के लिए काफी बड़ा कंसर्न है। एक ओडीआई मैच में अगर आप मिडिल ऑर्डर ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी चेस करने में या एक अच्छा स्कोर लगाने में बोर्ड पर। तो इस पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कोच और कप्तान। बिल्कुल, आप उस चीज को मतलब उठा के लेके आइएगा कि अलीशान सराफू और अली नासिर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अभी जो एसीसी प्रीमियर कप हुआ था। वो T20 फॉर्मेट है, ओडीआई फॉर्मेट में अच्छे अच्छे T20 प्लेयर्स को अंदर डगआउट में बैठने देखा है, चाहे वो एसोसिएट्स हो या फुल मेंबर हो। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच यहाँ पर चाहिए होता है। तो वो हिटिंग विटिंग यहाँ पर इतनी काम नहीं आने वाली, एक आध मैच में सही, लेकिन आपको यहाँ पर 36 मैचों का लंबा टूर्नामेंट खेलना है, यहाँ पर बहुत सेंसिबिलिटी चाहिए होगी मिडिल ऑर्डर में। उसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की जो रोहित पौड़याल उनके सामने सबसे बड़ा टीम के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रहेगा अवे का। जी हाँ, ये एक चैलेंज है जो बाकी किसी टीम में हमें नजर नहीं आती। जी हाँ, देखिए ऐसा नहीं कि नेपाल से खराब टीम में नहीं है, बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस बाकी टीमों की भी होती है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम जो है वहां पर अवेयर होम का कोई फैक्टर नहीं है। अगर उनके एक टीम ने घर में परफॉर्मेंस खराब की है तो बाहर भी उनका वही खराब परफॉर्मेंस है, अगर बाहर अच्छी है तो घर में ही वही खराब है। लेकिन नेपाल का ये फैक्टर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि होम में वो बहुत बेहतर करते हैं लेकिन अवे में बिल्कुल पोल सपाट परफॉर्मेंस वो कहते हैं। और ये सबसे बड़ा सर्वदर्शन है हमारे, आपको याद होगा हमने फिक्सर्स भी डाले थे नेपाल के लिए, टीम में कौन से फिक्सर्स आने वाले होंगे, उसमें भी हमने चीज कही थी कि ये बहुत ज्यादा मैचेस नेपाल को इस बार घर से बाहर अपने खेलने हैं और वो एक बहुत बड़ा सरदर्द रहेगा। पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू की हम बात कर ले, 23 मैच नेपाल ने अपने घर से बाहर खेले थे, यानी टी से बाहर खेले थे, अपने नेपाल से बाहर खेले थे, उसमें सिर्फ 9 मैच जीतने में वो कामयाब रहे थे, 38% विनिंग परसेंटेज रेशियो। आप देखिए क्या बुरा हाल रहा उसमें। और जो लास्ट के 12 में से 11 जीते उसमें भी 8 मैचेस जो है वो होम में थे, जहां आप ज्यादा है मिडिल ऑर्डर पर, काफी ज्यादा जो एक्सपीरियंस जरूर है वहां पर लेकिन परफॉर्मेंस इतनी आ नहीं रही है। रिची बैंगटन हो, मैथ्यू क्रॉस जैसे प्लेयर, माइकल लीज भी वहां आते हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर वहां पर मौजूद है, पर परफॉर्मेंस अभी नहीं आ रही है किसी भी बल्लेबाज की तरफ से। अगर हम देखें काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जाना जाता है स्कॉटलैंड जरूर बहुत बड़ी टीम है, बहुत सही वक्त पर जरूर ये वापसी करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खत्म हो गई है स्कॉटलैंड, ये अनाड़ी वाले सोच यहाँ इनकंसिस्टेंसी है, हमारा कहने का मतलब है मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, ये नहीं काम है, ये हमने यूएई के लिए कहा। जी हाँ, इनकंसिस्टेंसी और मिडिल फ्लॉप में दोनों में फर्क। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नजर आए स्कॉटलैंड के इतने बड़े बड़े प्लेयरों से, और ये परफॉर्म करेंगे तो टीम 2000 पिछला वाला जो एडिशन है वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू का वो दोहराने में कामयाब होगी। वरना अगर इतने बड़े प्लेयर इस पूरे इंटायर 3 साल में स्ट्रगल ही करते रह गए इनकंसिस्टेंसी के चक्कर में, तो काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकती है स्कॉटलैंड। लेकिन फिर से कहेंगे बिल्कुल उम्मीद है कि ये प्लेयर जो मादा रखते हैं वापसी कर। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो रन भी किए हैं जॉर्ज मन से, ब्रेंडन मैकमिलन, इन लोगों ने भारी भरकम रन किए हैं। लास्ट 15 ओडीआई अगर आप उठा के देखेंगे स्कॉटलैंड का, तो इनके बहुत ज्यादा रन है, टॉप ऑर्डर का बहुत ज्यादा रन है उसमें, और फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल अभी भी किया है। उसके बाद बात करते हैं यूएसए की। यूएसए के लिए जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है पहले तो बैलेंस प्लेइंग 11 अपनी तैयार करना, 15 इसकी स्क्वाड तैयार करना, वो ही सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा। इसमें आपके सामने आर्टिकल भी रखा था कि डिस्कशन फिर डिस्प्यूट जो है वगैरह वो होने चली है, और अगस्त की जो सीरीज होने वाली है उसमें अभी पता नहीं है कि कौन से 15 खेलेंगे, प्रॉपर 15 जो आपके जहन में माइंड होंगे क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उसमें कितने प्लेयर रहेंगे क्या रहेगा, स्क्वाड अभी भी कंफर्म नहीं है कि कौन से प्लेयर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, पैसों को लेकर फिर से कहीं ना कहीं बोर्ड्स और प्लेयर्स के बीच में जो है इशू है वो चालू हो चुका है। अंदर लेवल पर ही सही लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो बैलेंस 15 वो बना ले वो सबसे बड़ा सरदर्द रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस उन्मुख चंद की शायद हमें एंट्री होती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है 50 ओवर फॉर्मेट में। उसके बाद जो उनकी दिक्कत वो रहेगी पूरी, अगर आप
देखें, सबसे पहले तो बैलेंस प्लेइंग 11 बनाने आए, वही रहेगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। नाइमिया के बारे में क्या ख्याल? जरूर नाइमिया की बात क्लियर है, एक्सपोजर बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बैटिंग का जो इश्यू चल रहा है टीम में, ओपनिंग हो मिडिल ऑर्डर हो, काफी प्लेयरों को इस पंजाब वाली सीरीज में भी ट्राई किया गया है। उम्मीद है इस सीरीज से कुछ नए यंग फेसेस हमें अभी आने वाले रिसेंटली 16 जुलाई से वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2 है उसमें भी हमें अलेक्जेंडर वॉल्स बिल्कुल यंग कुछ फेसेस हमें नजर आएंगे उसमें। यान बाल्ट जो है वो भी आ सकते हैं, ऑलराउंडर है वो, बैटिंग ऑलराउंडर, तो वो भी हमें नजर आ सकते हैं, इसलिए ऐसा उम्मीद है और बहुत बहुत हाई चांसेस है। पर प्रॉब्लम अभी भी है, कोई परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आया है कि जिसके बलबूते पे आप पूरा पागल हो जाए खुशी के मारे। नाइबियन बोर्ड या मैनेजमेंट, कोई ऐसा परफॉर्मेंस इस सीरीज में किसी भी बैट्समैन ने दिया नहीं है जो पंजाब के खिलाफ अभी चल रही है। और बैटिंग प्रॉब्लम तो थ्रू आउट द 1.5 ईयर से रनिंग करती हुई आ रही है नाइबिया के लिए, जो सरदर्द हेडेक बना हुआ है एक बैटिंग ऑर्डर, चाहे बैटिंग ऑर्डर ले लें, बैट्समैन का परफॉर्मेंस ले लें, वो दम बिल्कुल भी कहीं से नजर नहीं आ रहा कि एक ODI में आप खींच सकते हैं, अच्छी पोजिशन पर आप आ सकते हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर, फर्स्ट पोजिशन पर बिल्कुल नहीं। ये वो बैटिंग नहीं है जो चल रही है नाइबिया की, जो इन्हें ऊपर के ऑर्डर पर रख सकते। बिल्कुल डेफिनेटली आपके जहन में चल रहा होगा कि 4 में से 3 मैच नाइबिया जीत गया है, 6 पॉइंट ऑलरेडी उनके पास है, तो फिर बैटिंग का जो इशू है वो आखिर किस तरह का? डेफिनेटली ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, 36 मैचों का लंबा टूर्नामेंट है, डिफरेंट कंडीशन में जाना है। और क्रिकेट बॉल, और आप पिछला सीजन उठाकर देख लीजिए, ये इनमें से काफी सारे प्लेयर्स खेले थे, क्या हुआ? लास्ट के 6 मैचों में सिर्फ एक मैच जीते और उन्हें खेलना पड़ा क्वालिफायर प्ले ऑफ, अपने घर में क्वालिफायर प्ले ऑफ खेले वो भी हार गए, वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक नहीं खेल पाए। तो ये सिर्फ एक मैच की बात, एक राउंड की बात नहीं है, एक राउंड में लोगों ने अच्छा कर दिया, अरे अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग प्रॉब्लम है, क्या बैटिंग प्रॉब्लम? आप तो कह रहे हैं 6 पॉइंट जीत गए, तो फिर पिछले वर्ल्ड कप लीग 2 में क्या हुआ था? उसे नजरअंदाज कर दिया गया था, उसका हसर जो है उन्होंने भोगा था। और इस बार भी यही होगा, अगर बैटिंग प्रॉब्लम सुधरी नहीं नाइबिया की टीम की, ये नहीं कि 4 में 3 में जीत गए तो बहुत अच्छे पोजीशन पर, बैटिंग को छोड़ दो, नहीं नहीं, ये फिर से आपको आकर आपको डराएगा, आपको हॉन्ट करेगा, ये डेल क्रिकेट नहीं मानता है। लास्ट अगर बात करें यहाँ पर कैनेडा, वो है उनकी ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर, जो उनका टॉप ऑर्डर है वो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ है। कैनेडा के बार बार मिडिल ऑर्डर ने आके उन्हें सेव किया है, और उनका जो टॉप ऑर्डर है उन्हें रन करने की जरूरत पड़ेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 4 मैचेस में सिर्फ एक बार मेरे सिर्फ 50 आई थी विजय रत्ने की, उसके अलावा हर बार टॉप ऑर्डर जो है वो फेलियर ही हुआ है। प्रगट सिंह को आप ले लें, उसके बाद विजय रत्ने को ले लें, नवनी धाल में आते हैं, उनके बदले सिर्फ रन निकले रही है। टॉप ऑर्डर कैनेडा का बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें 50 पे 3, 40 पे 3, 30 पे 2, ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला है अभी तक कैनेडा के लिए, और उसके बाद ठहरा हुआ आया है। मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत काम करता हुआ नजर आया, लेकिन टॉप ऑर्डर एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस दिन मिडिल ऑर्डर अगर नहीं चल पाया और टॉप ऑर्डर वैसे ही रन नहीं कर रहा, तो कैनेडा शायद हमें बिखरती हुई नजर आए, बस यही चीज कंसर्न की बात है उनके लिए। स्टॉप फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी कौन सी टॉप 4 टीमें हैं जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लास्ट में फिनिश करते वक्त टॉप 4 में फिनिश करेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा रखिए, और डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एशियन क्रिकेट की कंप्लीट कवरेज आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलती है, फास्टेस्ट और इजी वे।